हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पिलर वन के बारे में। पिलर वन जो हमने लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था 6 पिलर्स होते हैं फॉर होलिस्टिक हेल्थ, उसके पिलर वन में था व्हाट टू ईट। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमें खाना क्या चाहिए। सिर्फ हमें कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए, हमें न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड है, जो आप कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में ले रहे हो वो भी हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। फैट, हम सोचते हैं कि अगर वेट लूज करना है तो फैट मत लो, लेकिन फैट बहुत ज़रूरी है वो भी, क्योंकि वो हमें फुलनेस फील कराता है। उसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कैलोरीज टाइम लगता है और कैलोरी रिलीज भी ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए हमें फैट ऐड करना चाहिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी मैनेज करके चलना चाहिए। तो हमें हेल्दी फैट यूज़ करना है, ट्रांस फैट यूज़ नहीं करने, प्रोटीन्स यूज़ करने हैं, आपको होल ग्रेन्स यूज़ करने हैं। होल ग्रेन्स में लाइक नट्स आ गए, सीड्स आ गए, जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हैं, या फिर दालें हैं अलग अलग टाइप्स की, लाइक मूंग दाल, अरहर दाल, ये सब हम ऐड करेंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे। एंड हमें क्या करना है साथ में, क्या हम हमें देखना है कि हम कितना लेते हैं, कितना हम फाइबर डाइट में ले रहे हैं। तो फाइबर डाइट में हम जो ले रहे हैं, एक तो हमें क्वांटिटी देखनी है, एक हमें फाइबर रिच डाइट लेनी है। फाइबर रिच डाइट में क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं एंड रॉ वेजिटेबल्स, एंड सबसे बेस्ट होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि ग्रीन को कलर ऑफ हीलिंग भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है वो हीलिंग में हेल्प करता है, तो आपको हील भी करेगा, पीस भी फील कराएगा, ठीक है। तो हमें ये सब इस तरीके से करना है। प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को, या फिर लाइक पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं जो बाहर मिल रही है, पैकेट्स वाले फूड्स चीज़ें हैं, हमें लगता है कि जैसे हमने मैरीगोल्ड ले लिया बिस्किट, या हमने कुरकुरे का एक ही पैकेट तो खाया है। कभी कभार खाना इज़ लाइक मंथ में ट्वाइस, वंस और ट्वाइस इन ए मंथ इज़ ओके, लेकिन हमें ये पैक्ड फूड आइटम्स नहीं खाने चाहिए, इसमें ट्रांस फैट होता है, ठीक है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करेगा। एंड होम कुक्ड फूड आप कैसा भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, और उसमें से भी आपको ऑयल का ध्यान रखना है कि आपको ऑयल, सीसेम ऑयल यूज़ कीजिए, कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, रिफाइंड ऑयल्स को अवॉइड कीजिए, ठीक है। और हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन क्या करता है, अगर हम हाइड्रेटेड होते हैं तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर हो रही होती है, और अगर हम हाइड्रेशन नहीं मेंटेन करके चलते तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छे से नहीं होती, मेटाबोलाइज नहीं होती चीज़ें बॉडी में, और अपने आप ही वेट गेन होता रहता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होते रहते हैं आगे चल के, ठीक है। और शुगरी फूड आइटम्स को हम अवॉइड करेंगे। सो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पिलर टू क्या है और उसके बारे में कैसे उसे मैनेज करना है। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।